हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था ना, कोनिक सेक्शन में कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन और कुछ हमने मतलब फाइंड आउट करने के लिए कि भाई इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमने वर्किंग रूल पढ़ा था। ठीक है, एक बार उसको रिवाइज कर देते हैं। कोनिक सेक्शन पढ़ा था, उसके बाद एसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, इलिप्स बनेगा, पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं वर्किंग रूल से कि नेचर ऑफ कर्व, नेचर ऑफ कर्व। हमें ये पता लगाना है कि इस कर्व का जो हमने मेनली जो पढ़ा था वो क्या था, सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन। क्या थी हुई सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमने पढ़ी थी भाई। ठीक है, मैंने बताया भी था कि ये जनरल इक्वेशन जो है सेकंड डिग्री की ऑलवेज रिप्रेजेंट करती है कोनिक सेक्शन को, चाहे इसमें इलिप्स बने, पैराबोला बने, हाइपरबोला बने या फिर सर्कल बने, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एटीस वगैरह। ठीक है, जो भी बने, लेकिन ये आपको रिजल्ट हमेशा रिमेम्बर रखना है कि जो जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री की होती है वो ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करती है, कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब हमें जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेंगे वो यही क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको सेकंड डिग्री की इक्वेशन गिवन होगी और ये पूछा जाएगा इसका नेचर क्या है, मतलब नेचर ऑफ कर्व पूछा जाएगा कि भी क्या बनेगा इसमें। तो हर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार वर्किंग रूल को दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले क्या था हमारे पास, डेल था। क्या थी डेल की वैल्यू, ए बी सी टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर। ओके, अब उसके बाद अगर हमारा सबसे नेसेसरी कंडीशन थी कि डेल को चेक करेंगे, निकालेंगे ए बी सी एफ जी एच कहां से आएंगे, इस इक्वेशन से। आप अपने जो गिवन होगी क्वेश्चन में इक्वेशन उससे कंपेयर कर लेना, आपके पास सारे कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, उनको पुट कर देना, आपके पास डेल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारा डेल नॉट इक्वल टू जीरो होता है इफ, या फिर केस नंबर फर्स्ट भी हो सकता है, दो ही वैल्यू ले सकता है, या तो डेल जीरो होगा या डेल नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाएंगे। अगर हमारा डेल नॉट इक्वल टू जीरो है, देन वी चेक ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ये निकालेंगे। ओके, इफ ए बी माइनस एच स्क्वेयर ग्रेटर देन जीरो, देन इक्वेशन वन, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन वन, रिप्रेजेंट इलिप्स। ठीक है भाई, अगर हमारी पास जो क्वांटिटी है ए बी माइनस एच स्क्वेयर हमारा जीरो से बड़ा आता है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन आपको गिवन होगी आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इलिप्स को। ठीक है, अगर हमारा ए बी माइनस एच स्क्वेयर लेस देन जीरो होता है तो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, हाइपर बोला, क्या हाइपर बोला। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगी, हाइपर बोला। ओके, उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो इक्वेशन है हमारे पास ए बी माइनस एच स्क्वेयर जीरो होता है देन पैरा बोला। ठीक है, अगर हमारे पास ए बी माइनस एच स्क्वेयर लेस देन जीरो, और क्या हो हमारे पास, दोनों का सम किसका, ए प्लस बी का, जीरो हो, तो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। ओके, उसके बाद आता है कि अगर हमारा इस इक्वेशन की बात करें, भी आपको नेचर ऑफ कर्व और ये आपका आईआईटी जेम में भी एक क्वेश्चन आता है कोनिक सेक्शन से कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे आसान होता है इस शॉर्टकट ट्रिक से हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी एंड एच इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन। अगर इक्वेशन वन में हमारे पास ए और बी दोनों बराबर हो, एच यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई की टर्म मिसिंग हो,
कब होगी, जब एच जीरो होगा, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, देन इक्वेशन वन रिप्रेजेंट सर्कल। ये तो बात होगी भाई कब, जब डेल हमारा नॉन जीरो आता है। अब ये भी तो हो सकता है डेल हमारा क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड, क्या है हमारे पास केस नंबर सेकंड, इफ डेल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सब कुछ आपका इस इक्वेशन पे चलेगा, ये जो जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, ये हमारा एक रिजल्ट है, उसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है, कुछ एग्जांपल सोल्व करने के बाद। तो ये हमारी इक्वेशन जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, ऑलवेज रिप्रेजेंट करती है किसको, कोनिक सेक्शन को। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे भाई, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन गिवन होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने सिर्फ आपको डेल निकालना बताया है, ये डेल निकालो सबसे पहले तो क्या होता है, अगर आपका डेल जीरो आ जाता है देन चेक करेंगे एबी माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एबी माइनस एक्स स्क्वायर आपका नॉट इक्वल टू जीरो आता है देन पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर हमारे पास ए प्लस बी का सम जीरो हो देन पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस एंड ए बी माइनस एच स्क्वेयर हमारा क्या हो जीरो देन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ओके भाई ठीक है। तो ये था हमारे पास, अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमारा आसानी से मतलब ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। तो आपको किसी भी क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले डेल निकालना है, वो जीरो होता है नॉन जीरो होता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ओके। अब उसके बाद है, मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, ठीक है, क्या है मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हाट कोनिक डज द इक्वेशन, व्हाट कोनिक डज इक्वेशन, क्या है मेरी इक्वेशन, सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स वाई माइनस सिक्स वाई स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है भाई। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है कि भाई क्वेश्चन है कि ये कोनिक किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि ये जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री के है, बिल्कुल है भाई, ठीक है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, सेकंड है। फिर हम अपने वाला रिजल्ट याद करोगे कि सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन होती है वो ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करती है, कोनिक सेक्शन को। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कंपेयरिंग इट विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे भाई, इक्वेशन वन के साथ, या दोबारा से भी इसको लिख सकते, कंपेयरिंग इट विथ ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ इसकी कंपेयरिंग करेंगे, करोगे। ए क्या आ जाएगा मेरे पास, सिक्स एच क्या आ जाएगा, बता सकते हैं एच क्या जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना भाई, टू एच इज इक्वल टू माइनस फाइव है, कंपेयरिंग कर रहे हैं सिर्फ क्वेश्चंस, एक्स वाई की जो टर्म है उसके क्वेश्चंट कंपेयर हो रहे हैं, आपको पता होगा ट्वेल्थ में भी आपने पढ़ाया है, ठीक है, कंपेयरिंग तो इंटीग्रेशन में। तो टू एच इज इक्वल टू माइनस फाइव और एच क्या आ जाएगा, माइनस फाइव बाई टू, अब बी कितना आ गया माइनस सिक्स एंड जी कितना आ गया, फिर वही बात, टू जी इज इक्वल टू फोर्टीन है, तो जी कितना हो गया सेवन एंड टू एफ इज इक्वल टू फाइव है, तो एफ कितना हो गया फाइव बाई टू, ठीक है। उसके बाद हमारा सी कितना है, फोर है। तो सबसे पहले हम किसको निकालेंगे इसके अंदर, आपको पता होगा डेल, कि भाई इसका नेचर चेक करना है
कि इसमें क्या सेल बनेगी हमारे पास, ठीक है, किसका हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये चेक करने के लिए हम डेल निकालते हैं, डेल की वैल्यू आपको रिमेम्बर होनी चाहिए, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है भाई। सिक्स इंटू माइनस सिक्स इंटू फोर प्लस टू, एफ क्या है मेरा 5/2, जी क्या है 7 एंड एच क्या है -5/2, माइनस ए एफ स्क्वेयर, एफ क्या है मेरा 5/2, तो इसका स्क्वेयर कर लो और ए क्या है मेरा 6, तो होगा 25/4, ओके भाई स्टूडेंट्स। उसके बाद है माइनस बी जी स्क्वेयर, बी कितना है मेरा -6 एंड जी का स्क्वेयर, जी कितना है मेरा 7, तो ये हो गया मेरा 49, ठीक है ओके। माइनस सी, सी कितना है मेरा 4, ओके, और एच कितना है मेरा -5/2 का स्क्वेयर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि आपको पता है स्क्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको एक बार मैं सोल्व कर देती हूँ क्या आता है हमारा डेल, क्योंकि डेल आएगा तभी हम बता सकेंगे कि हमारे पास क्या फिगर ड्रो होगा। तो अब देखिए -36 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 175, ठीक है, देख लो माइनस का या प्लस का, हाँ भाई ठीक है, माइनस 2 2 जा 2 3 जा 75/2 एंड ये क्या हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो प्लस का 294, ठीक है, ये क्या हो गया 4 से 4 कैंसिल माइनस का 25, ठीक है ओके। ये हो जाएगा आपके पास 24/6, ये हो गया माइनस, एक मिनट भाई इस पे 2 और था ना, एक बार इसकी कैलकुलेशन क्या थी, पीछे हमारे पास 175 माइनस 75/2, ये था हमारे पास ए बी सी। हमारे पास एक बार फिर से लिख देती हूँ मैं, ए मेरे पास 6 था, बी मेरे पास -6 था, एच -5/2, ठीक है, और जी मेरे पास कितना था भाई, जी की वैल्यू कितनी थी 7 और एफ की थी 5/2 और सी था मेरा 4, ठीक है। तो हमने डेल निकाला था, क्या था डेल, ए बी सी टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर, ये निकाला था, ठीक है। तो इसमें एक बार चेक करो, 2 ये वाले टर्म थोड़ा सा, 2 इंटू एफ, एफ क्या था मेरा 5/2 और जी क्या था मेरा 7 और एच क्या था मेरा -5/2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया, हाँ भाई इसमें एक 2 रह गया हमारा, ठीक है, ये आप कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना, इसमें 2 रह गया क्योंकि हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया फिर नीचे हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ये 2 और आएगा ओके। उसके बाद है प्लस 294 माइनस 25, करो आप आगे सो, अब दोनों कैल्सियम 2 आ गया तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, कितना हो गया भाई, अगर माइनस को बाहर रखते हो तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आ गया -144, कितना हो गया, ये हो गया, ये -144, ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, सॉरी प्लस कर लगे 294 -25, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं हम, -144 -125 -25 प्लस 294, अब देखिए 14 यहां पर कितना आ गया 4 एंड 4 8 9 और 1 एंड 1 2, ये आपका नेगेटिव ये आपका पॉजिटिव कैंसिल हो गया, डेल क्या आ गया स्टूडेंट्स 0, डेल हमारा हो गया है 0।
तो देखो आपके दिमाग में ये बात हमेशा याद आनी चाहिए कि डेल अगर जीरो होता है तो हमें क्या चेक करना है, और डेल नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो हमें क्या चेक करना है। तो हमारा डेल क्या गया, जीरो। तो हमें या तो ए प्लस बी या फिर ए बी माइनस एच स्क्वायर या फिर ए बी माइनस एच स्क्वायर हमारा नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो और ये चीज, ये चीजें चेक करनी है। ठीक है, वन बाय वन करके आप तीनों को भी चेक कर सकते हो, तीनों में से आपको एक ही मिलेगी। तो ए हमारे पास सिक्स है, मुझे वैसे ही दिखाई दे रहा है, बी हमारे पास माइनस सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सबसे पहली बात तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वो भी कैसी है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट उसके अंदर हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि कॉनिक सेक्शन का हम सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।